हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, पाकिस्तान के बड़े अधिकारी का दावा, हाथ से निकलने वाला है पीओके ब्रह्मोस मिसाइल। देखते हैं भैया क्या न्यूज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या भारत पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है? ये सवाल आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने एक बड़ा दावा किया है। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत कुछ बेहद ही खतरनाक प्लान कर रहा है और हमें वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए। दरअसल भारत से मिस फायर हुई एक मिसाइल पाकिस्तान में क्या जा गिरी, वहां तो हड़कंप ही मच गया। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना मिसाइल की जांच करते वक्त हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद है। बहरहाल अब्दुल बासित ने कहा कि जरा याद किया जाए कि 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को पीओके वापस लेना है। अब्दुल बासित ने कहा कि खाली मिसाइल दागकर भारत कहीं पाकिस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा तो नहीं लेना चाहता। अगर ये बात सही है तो ये बेहद ही खतरनाक खबर है। अब्दुल बासित अपने डर में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने ये तक बोल डाला कि हो सकता है कि भारत भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हो जो यूक्रेन में रूस ने किया है। इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आपको बता दें कि शुरुआत में पाकिस्तान का रुख काफी परिपक्व था, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान के नेताओं ने इस पर घटिया राजनीति करनी शुरू कर दी है। भारत ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कुछ खाली लोग अब अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से मिस फायर हुई मिसाइल पर 2 दिन बाद एक्शन में क्यों आए? मिस फायर होते ही उसका डिटेक्शन क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान के लोगों ने तो अब चीन को भी गाली देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लगे होने के बावजूद भारत की मिसाइल कैसे पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान ने अब अपने ही देश के लोगों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल पाकिस्तान की मीडिया ये दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 एयर मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूंगी एक हमारी मिसाइल जो है वो क्या मिस फायर हो गई। इनके यहाँ पे तो सच्ची में तहलका ही मच गया है। इतना शोर हुआ जो भी बोलते हैं वो हुआ पड़ा है। और जस्ट बिकॉज उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे हम लोग तो मजाक के लिए और मजे के लिए बोलते हैं, इनको तो ये नहीं समझ में आ रहा भैया क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनको भी ये लग रहा है कि पीओके के लिए होगा। और इतने बड़े बड़े ऑफिशियल जो है एम्बेसडर वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर आपको बात करनी है आप इंटरनली बात करो, अपने जो भी आपको जो भी करेक्ट प्रोसीजर है, आपने अपने अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है या अपने जो डिफेंस के हैं उनसे बात करनी है उनसे बात करो। आपकी वो बात पब्लिक हो जाती है इस तरह से, और पता चल रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि कहीं पीओके तो नहीं लेने की हो रही, उस टाइप की बातें हो रही है, वो बहुत ही एम्बैरेसिंग और देखने में सुनने में हैरानी होता है कि आपकी इंटरनल क्या बातें चल रही है वो कैसे पब्लिक में आ रही है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या बातचीत हो रही है क्या है हमें तो नहीं पता चलता, अनलेस एंड अनटिल हमारे कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अब जैसे इन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने जी ने बताया कि भैया हमारे तो जो था वो मिस फायर हुआ है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर जो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देते वही पता चलता है। उसके अंदर क्या बातचीत हुई वो थोड़ी को हमें पता चलता है। ये तो आके सीधा ही पब्लिक में ही बात करने लग जाते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है इंडिया ने किया हो, पर वैसे सुनने में तो ये है कि भैया इनका इनकी वहां पे हलचल बड़ी मची हुई है। ये देख लीजिए तो डेफिनेट हो गया राइट। अब देखिए मुझे लगता नहीं है कि इंडिया जो है मिलिट्री एक्शन लेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मिलिट्री एक्शन लेना थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है, उसमें इकोनॉमी आपकी पीछे हो जाती है। अगर आप कहीं पर भी करते हैं अटैक तो बहुत भारी मात्रा में आपका पैसा लगता है इन ऑपरेशंस में, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एनिमी जो है या आपके मेन जिससे आप कंपीट कर रहे हैं चाइना वगैरह, वो उस गैप आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इंडिया मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसमें आपका लॉस ज़्यादा होता है। पर लेंगे जरूर,
इकोनॉमिकली बेस्ट तरीका यही है कि जैसे कश्मीर में प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे वहां पे टेंशन होगी पीओके में, उनका खुद मन करेगा कि आप इस तरफ आ जाएं। और इतने बहुत टाइम लगता है, उसमें समय लगता है, इतना टाइम थोड़ा। परंतु जो भी है, मतलब मेरे को तो लगता है कि अगर कोई भी कंट्री वॉर करती है तो बहुत ही मेजर इफेक्ट आएगा। जैसे अभी रशिया पे आ रहा है, रशिया पे जबरदस्त सैंक्शन आ रहे हैं और रशिया हेल्प मांग रहा है चाइना की। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आप यही कह सकते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिसल का मतलब, कुछ कह नहीं सकते मगर। मतलब मेरे को तो यही लगता है कि मिसल मिस्टेक थी और बाय चांस मिस फायर हो गई, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था, कुछ नहीं था, और उससे जो है दोनों कंट्रीज का कुछ फायदा हुआ है। इंडिया का मतलब फायदा ये हुआ है कि हमने दिखा दिया कि हमारे पास मिसल्स हैं जो तुम जिससे बच नहीं पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चला। उनको ये पता चल गया, उनको ये पता चल गया कि उनके जो चाइना का माल है फेल है, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम्स थे वो ठीक तरह से नहीं चल रहे, वो सुपरसोनिक मिसल्स को नहीं रोक पा रहे। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल से कुछ लर्निंग है एसेंशियली कहीं ना कहीं जो है, मगर पता हमें कभी नहीं लगेगा कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। और अगर टाइम बताएगा टाइम, और मुझे, और जैसे देखिए जब ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सभी कंट्रीज बहुत ध्यान से देख रही हैं इस चीज को, वो देख रही हैं कि अगर कोई किसी पे मिलिटरली एक्शन लेता तो होता क्या है। तो क्या होता है, नजर आ रहा है कि इतने सारे सैंक्शन आ रहे हैं, जितने अमीर लोग हैं रशिया के उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक स्टडी हो रही है, सभी कंट्रीज बहुत ध्यान से इस बात को स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी के बाद मेरे ख्याल से यही नेट रिजल्ट आएगा कि मिलिटरी एक्शन लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी रशिया नीचे जाएगा, वहां से अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो थोड़ा नीचे जाएगा और बेनिफिट चाइना को होगा, क्योंकि चाइना इसमें पड़ा ही नहीं अभी, अभी तक तो नहीं पड़ा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर डेफिनेटली इसमें मेरा यही होगा कि मैं तो पीस लविंग बंदा हूं और मेरे से तो यही है कि अगर सॉफ्ट पावर से आप जो अचीव करना चाहते हैं वो करिए। नहीं पर उन्होंने पीओके तो सॉफ्ट पावर से थोड़े को ही लिया था, जो तुमने वो समय लेंगे भी वैसे ही लेना पड़ेगा। वो समय था जब कोई एक्शन लेने का समय था, वहां पे गवर्नर ने ढंग से एक्शन नहीं लिया, वो तो है, तो वो उस गवर्नमेंट की गलती थी। उस वक्त जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। पर मोदी जी हैं और आज की गवर्नमेंट जो है करेगी तो कुछ, अगर कह रहे हैं जैसे इन्होंने बोला है कि ये इनके उसमें है लिखा हुआ था कि हमने पीओके लेना है तो लेके तो हम रहेंगे भैया, अगर लिखा वो ही तो देखेंगे क्या कैसे होता है, लेंगे वो है क्वेश्चन। हाँ, मिलिटरली मेरे हिसाब से नहीं होगा कुछ, आप बताइए आपके व्यू पॉइंट्स हैं और समय बताएगा कि एक्चुअली क्या होता है। हाँ, पर जल्दी हो अगर जो होना है ताकि पीओके हमारे पास आए जो हमारा था, ये तो मतलब ये सारा जो है कश्मीर फाइल्स का इफेक्ट है हम पे, तो हाँ, अभी देख के आए हैं ना इसलिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।